हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से मैं सोच रही हूँ ब्लॉग्स बनाऊँ, ताकि उसमें मैं रियली आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं दे रही हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ और किस तरह से मुझे फील होता है। सो आज का ये जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है एंड अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को कलर करने के लिए। जैसे कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने अपने बालों को कलर करवाया था। कलर करवाने के बाद ये हुआ था कि कलर जो है वो छूट जाता राइट, तब भी क्योंकि वो डाइड किया हुआ था, तो इसी की वजह से मैं इसके ऊपर कुछ भी कलर चढ़ाती हूँ ना तो वो आ जाता है। सो शार्क टैंक में हमने कुछ सीजन पहले देखा था, पैराडाइज करके कंपनी आई थी, एंड इसके जो सेमी परमानेंट कलर है मैं काफ़ी दिनों से, एक साल हो चुका है मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका पर्पल, पिंक, रेड, मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया है। एंड आज जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ इसका पिंक वेरियंट, एंड मैं इसका सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन में फ्लैश होगा। सो ये क्वांटिटी जो है 120 ग्राम की हमें इसमें मिलती है, एंड इसमें वेरियस कलर्स आते हैं। सो अगर आपके बाल पहले से ब्लीच्ड है तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें सब कुछ इंडिकेटेड है। तो मुझे अच्छा खासा, जैसे लाइट में मैं जाती हूँ तो अच्छा खासा कलर मिल जाता है। और जिस पार्ट्स में अगर आप देखिएगा, जो पार्ट्स है ये वाले जैसे पार्ट्स हो गए, ये सब में मेरे पास ऑलरेडी मैंने पिंक पर्पल कलर किया था तो वो है थोड़ा थोड़ा, एंड इन जगहों पे वो ज़्यादा आ जाएगा। सो चलो देखते हैं करके। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मैं नहा लूँगी, बालों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, एंड उसके बाद फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी। सो मैं नहाती हूँ एंड देन फिर एप्लीकेशन के टाइम में आपसे मिलती हूँ। सो मैं नहा के आ चुकी हूँ और इस तरह से मैंने अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लिया है, धो लिया है, और इसके बाद मैं इसको टॉवल में बांध के अराउंड 2 से 5 मिनट रखती हूँ ताकि जो एक्सेस वाटर है वो बस निकल जाए। एक बार ये जैसे ही हल्का सा ड्राई हो जाएगा, मतलब पानी जितना सोख लेगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बट मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ब्लीच्ड हेयर है और आप बार बार जाके पार्लर में उतना खर्चा करके कलर नहीं करवाना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसको जैसे मैंने बताया बहुत ईजी है लगाना, हम अप्लाई करेंगे एंड उसको 30 से 60 मिनट, आपके डिपेंडिंग आपके ऊपर है आप कितना देर छोड़ना चाहते हो, बट 30 से 60 मिनट आपको छोड़ना है। इसके बाद आपको कोल्ड वाटर से इसको धो लेना है, कंडीशनर लगा लेना है, एंड इसके बाद आप ड्राई करके जैसा स्टाइल करना चाहो स्टाइल कर सकते हो। इसमें नो अमोनिया है, नो पेरोक्साइड, एंड इसकी जो MRP है 795 है, बट मैंने नायका में लिया है, आई थिंक 500 के रेंज में मुझे मिल गया है। सो अगर आपके बाल भी जब कलर निकल जाता है तो बहुत ड्राइनेस लगती है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद मैंने फील किया है कि जो प्रोडक्ट लगाने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी आपका हेयर हो जाता है, जो ड्राइनेस होती है वो चली जाती है। तो अब मेरे बाल आराम से सूख चुके हैं तो अब हम इसको खोल लेते हैं एंड देन इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो इसके लिए ग्लव्स के अंदर मिलता नहीं है, मेरे पास और भी ग्लव्स थे तो ग्लव्स का यूज़ कीजिए, हाथ से लगाने से बहुत इजी होता है। साथ में अगर चाहें तो हल्का सा आप अपने बालों को कोम कर लीजिए हल्का सा, एंड देन आप आराम से इसको अप्लाई कीजिए। तो मैं हल्का सा कोम कर लेती हूँ एंड उसके बाद इस पर अप्लाई करते हैं। सो मैं अपने बालों को हल्का सा कोम कर लेती हूँ। कोम करने से ही एप्लीकेशन थोड़ी इजी होती है बस, तो हल्का सा कोम कर लीजिए। सो बालों को मैंने अच्छे से कोम कर लिया है अभी, एंड ये मेरे पास ग्लव्स है, ग्लव्स ज़रूर लगाओ और हाथ से अप्लाई करो। मुझे लगा है कि हाथ से जब भी मैंने अप्लाई किया है इसका एप्लीकेशन बहुत ही बेटर हुआ है एज़ कम्पेयर टू द ब्रशेज। सो आई हैव वॉर द ग्लव्स, अच्छे से ग्लव्स पहन लीजिए, एंड क्योंकि हल्का सा कोम कर लिया है तो आप देख सकते हैं बालों को पकड़ना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको, ये जो पैराडाइज वाला है ये ले लेना है। मैं इसको ओपन कर देती हूँ एंड देन सीधा ये डब्बा उसके अंदर से आपको मिलेगा। तो डब्बे से ही आप डायरेक्टली लगा सकते हो, कोई झंझट नहीं है वो यू नो मिक्स करने का एंड ऑल। सीधा आपने डब्बा खोला, इस तरह से डब्बा आता है एंड देन अंदर एक ढक्कन है आप देख सकते हैं। तो मैं पहले जो ढक्कन का जितना कंटेंट है वो ले लेती हूँ। देख सकते हैं किस तरह से एकदम पिंक कलर है ये। तो ये है,
बहुत रैंडमली करती हूँ, पूरे बालों में लगा लेती हूँ मैं एक्चुअली। केवल हाइलाइटेड जगह पे भी आप लगा सकते हो, बट मैं पूरे ही बालों में लगा लेती हूँ क्योंकि मैंने ग्लोबल हाईलाइट करवाया था इसलिए। तो इसी तरह से एक एक स्टैंड लेके आप अच्छे से इसको इसी तरह से अप्लाई कर लीजिए। सो यू कैन सी आगे वाले मेरे थोड़े हाईलाइट हैं और ये कलर भी काफी अच्छा आता है अगर अच्छे से ये होगा। एंड देन हल्का ऊपर करके यहाँ जो पोर्शन है इस पे भी आप थोड़ा लगा लो ताकि क्राउन में भी रहे, है। एंड देन यू कैन जस्ट मेक अ ट्विस्ट राउंड राउंड राउंड, दैट्स इट। सो मैं बाकी भी कर लेती हूँ क्योंकि ये काफी बोरिंग लगेगा इतना रिकॉर्ड करना। तो मैंने इसको पूरा लगा लिया है, देख सकते हैं इस तरह से। तो जिस एरिया में आपको ज्यादा चाहिए उस एरिया में उस हिसाब से आप लगा ले। सो कानों में और हल्के से इस जगह पे लग जाता है जो जनरली आप लगाते हैं। अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल विद ब्रश ऑल्सो, आप ब्रश पे भी इसको लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है हाथ यूज करना। मुझे वो कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं वो प्रोसेस यूज करती हूँ। ये सारा जब मैं नहाऊंगी तो आसानी से निकल जाएगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अब जिस तरह का देख सकते हैं, अगर ऊपर से मैं दिखाऊं, पूरा मैंने अच्छे से इसको लगा दिया है। पता नहीं ये कैमरा में अभी आपको दिखेगा, थोड़ा लाइट में सारा मैंने अच्छे से लगा दिया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ भी थोड़ा लग गया है जो नहाते वक्त निकल जाएगा। सो कम्प्लीटली हेयर को एक बन के फॉर्म में आप बांध सकते हो, क्लिप क्लिप की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। एंड वैसे कि मैं दिखाती हूँ, अराउंड मैंने आधा से ज्यादा यूज किया है इस बार। लास्ट टाइम मैंने हाफ यूज किया था तो मुझे ये लगा था कि प्रॉपरली जो है ना कलर आया नहीं था, तो इसलिए इस बार मैंने कंजूसी नहीं की एंड ऑलमोस्ट लगा लिया है। ऑलमोस्ट ये फिनिश ही होने वाला है। सो नाउ आई हैव टू वेट फॉर अनदर 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। एंड देन नहा के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से कलर आया, ब्लो ड्राई सब कुछ करके। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जब मैं ये कलर करती हूँ, उस टाइम मैं आधे घंटे पहले लगा लेती हूँ एक फेस मास्क ऑल्सो। सो एक्वालॉजिका का ग्लो फेस मास्क है ये। इसका रिव्यू शायद मैंने चैनल में शेयर किया है, तो ये भी मैं अभी लगाऊंगी हाफ एन आवर बीतने के बाद। एंड देन फिर विल टेक अ शावर एंड देन विल सी की क्या कलर आता है नहीं आता है। अभी बस 15 मिनट्स बाकी है, तो उससे पहले मैंने फेस पैक लगा लिया है। तो मैंने एक्वालॉजी का कलर लगाया हुआ फेस पैक एंड अब मैं 15 मिनट्स के बाद जाके नहा लूंगी। सो इस बीच में आई वॉज एंजॉयिंग माई शो। सो मैं टीवी देख रही थी, सो आई वॉज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो। ये बहुत पुराना शो है, सो मैं संभाल लेंगे। तो यही आजकल चलता रहता है। सो दिस इज हाउ आई एम एंजॉयिंग इट एंड अभी मैं आपसे मिलती हूँ नहा के। हे गाइस, डन विथ माई हेयर वॉश। हेयर वॉश कर लिया है, थोड़े देर मैंने टॉवल के अंदर 2 से 5 मिनट छोड़ दिया है। ये ड्राई हो गया है हल्का सा। हेयर ड्रायर के यूज से मैं इसको ड्राई करने जा रही हूँ, जिससे पहले हल्का सा कोम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये कितने अच्छे से कलर आ चुका है। अभी मैं आपको हेयर ड्राई करके दिखाती हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी मैंने इसको ड्राई कर लिया है ड्रायर से, पूरी तरह से नहीं करती हूँ, थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने। अभी बस आपको दिखाने के लिए मैं करती हूँ। जनरली मैं अपने बालों को ऐसे ही सूखने देती हूँ, मैं हेयर ड्रायर का यूज़ बहुत कम टाइम करती हूँ, चाहे तो शाम में नहा रही हूँ या फिर कहीं जाना है। तो आप देख सकते हैं अभी ही कितना अच्छा कलर आ गया है। मैं हल्का सा इसमें सीरम लगाऊंगी एंड इसके बाद मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखाती हूँ कैसा ये दिखता है। सो मैंने हेयर ड्राई कर लिया है, कॉम कर लिया है, सीरम लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर ये आ गया है। यहाँ पे इस जगह पे मेरे ब्लीच्ड हेयर्स थे, तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसने कलर पकड़ा है। कैमरा में भी आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर कलर है। मैं एक बार जब भी इसको स्टाइल करूँगी मैं कुछ क्लिप्स एंड फोटोग्राफ्स अपने डाल दूंगी कि किस तरह से ये दिख रहा है। अभी तो जस्ट मैंने हेयर वॉश लिया है एंड दैट्स इट। हेयर स्ट्रेट करके थोड़ा सा कर्ल करके भी बहुत ही सुंदर लुक आता है, आप देख सकते हैं। दिस इज द कलर। आपको बहुत आपके ब्लीच करवाया हुआ है, वाइट लग रहा है, तो आप अगर बजट में कुछ करना चाहते हो तो उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और बाल काफ़ी सॉफ्ट भी लगता है उसके बाद। तो दिस इज द एंटायर थिंग। ये देखिए
बहुत ही सुंदर तो मुझे ये लगता है। अगर गलती से स्कैल्प में आपके लग गया तो वो आसानी से चला जाता है कुछ टाइम पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बेसिकली मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी, पैराडाइज का रिव्यू जो हमेशा मैं करती हूँ। हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुम्हारा हेयर कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देन आई जस्ट टेल देम कि मैंने यू नो पैराडाइज वाला ही किया है। आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।